अमरीकी कांग्रेस का यूक्रेन के लिए 39.8 अरब डॉलर की इजाफी इमदाद पर इत्तेफाक हो गया। कई हुकूमत को अमरीकी हथियारों की सप्लाई में तातुल का सामना है। इसके साथ आपको बताएं कि अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता माह कांग्रेस से 33 अरब डॉलर की दरख्वास्त की थी। रूस के साथ जंग के लिए अमरीकी फंडिंग में ड्रामाई तौर पर इजाफा किया गया। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक ने यूक्रेन के लिए इजाफी फौजी इमदाद की हिमायत कर दी। जो बाइडन कहते हैं लैंड लीज एक्ट के तहत अमरीका यूक्रेन को उधार पर असला देगा, एक्ट की बहाली के बाद यूक्रेन को फौजी सामान देना आसान हो जाएगा। अमरीकी कांग्रेस का यूक्रेन के लिए 39.8 अरब डॉलर की इजाफी पेशकश पर पेशकश कई हुकूमत को अमरीकी हथियारों के सप्लाई में तातुल नहीं आना चाहिए। बाइडन इंतजामिया कहते हैं अमरीकी कांग्रेस नई फौजी इमदाद के मंसूबे को जल्द मंजूर करेगी। अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता माह कांग्रेस से 33 अरब डॉलर की दरख्वास्त की थी। रूस के साथ जंग के लिए अमरीकी फंडिंग में ड्रामाई तौर पर इजाफा किया गया। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन ने यूक्रेन के लिए इजाफी फौजी इमदाद की हिमायत कर दी। लैंड लीज एक्ट के तहत अमरीकी यूक्रेन को उधार पर असला देगा, एक्ट की बहाली के बाद यूक्रेन को फौजी सामान देना आसान होगा।